देखिए, पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के मुंह पर महंगाई का थप्पड़ मारती रही, और अब जो है वो गरीबों के पेट पर महंगाई का घूंसा मारने की तैयारी कर रही है, एक के बाद एक। आप देखें रोटी महंगी, आप देखें तो रेल महंगी, और उसके साथ ही साथ हर व्यक्ति की जिंदगी महंगी हो गई है। जिंदगी के जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी सामग्रियां हैं, वो आम आदमी के पकड़ से बाहर होती जा रही है। उसके बावजूद भी ये सरकार संवेदनहीनता के साथ एक के बाद एक इस तरह के फैसले कर रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार देश के लोगों के, आम लोगों के और गरीबों के हितों को अनदेखा करके और महंगाई माफियाओं के हितों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। जहां तक सवाल है रेलवे का, उसमें बाजीगरी की गई है। पैसे में किराया बढ़ाया गया और रुपए में आम आदमी पर बोझ बढ़ाया गया। पैसे में किराया बढ़ा और रुपयों में बोझ बढ़ा। उसके बाद कहीं ये कहना कि साहब 10 सालों से किराया नहीं बढ़ा, अरे भाई आपने हमेशा हर साल में 2 बार 3 बार माल भाड़े के किराए बढ़ाए, आपने जो है इससे पहले भी किराए बढ़ाए। और आज जब ऐसे हालात हैं, जब कि आज देश जो है वो बुरी तरह से आर्थिक संकट में है, आज बुरी तरह से देश में आम गरीब जो है वो परेशान है, उस पे बाद आप उसके ऊपर और उसके पेट पर गरीबी का, महंगाई का घूसा मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार जो आई थी उदारवाद के नाम पर, इस देश को उदारवाद के रास्ते पे खड़ा कर चुकी है। सर, क्या रोल बैक की मांग करते हैं? हम एकदम तत्काल रोल बैक होना चाहिए। आम आदमी आज किसी भी तरह से इस तरह के बोझ को सहने को तैयार नहीं है। सर, अब क्या सड़कों पर उतरने की भी तैयारी? हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। और हम सरकार चाहे जितनी बेशर्मी के साथ इस तरह के फैसले करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर से जबरदस्त विरोध और कड़ा विरोध ही एक रास्ता है। हम संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे।